लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। पर क्या भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में वाकई लोगों का शासन है? लोगों की शासन में भागीदारी केवल 5 सालों में एक बार वोट डालने तक ही सीमित है। जनता के नुमाइंदे जनता के नाम पर सरकार तो चलाते हैं, लेकिन जनता जनार्दन की न तो सरकारी कामकाज में भागीदारी है और न कुछ कहने जानने का हक। क्या यही लोकतंत्र है? जो जो लोग टैक्स देते हैं हाथ खड़े करें। कौन कौन टैक्स देता है यहाँ पे? बहने, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, सारे देते हैं टैक्स। किसी किसी ने भी टैक्स दिया कोई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने सारे लोगों में बस 8 लोग टैक्स देते हैं? झूठ, बिल्कुल झूठ। आप सारे लोग टैक्स देते हो, आपको पता ही नहीं आप टैक्स देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जो एक हमारे देश का भिखारी है वो भिखारी भी टैक्स देता है। देश का हर नागरिक जाने अनजाने टैक्स के रूप में न जाने कितना पैसा देता है। एक बच्चा पैदा होता है उसको जो सबसे पहला इंजेक्शन लगता है उसपे भी टैक्स होता है, और जब आदमी मर रहा होता है उसको जो आखिरी दवा दी जाती है, मरते मरते बेचारे को इंजेक्शन जो लगता है उसपे भी टैक्स होता है। पैदा होने से लेके मरने तक आदमी सरकार को पैसे देता रहता है, टैक्स देते रहता है। उस टैक्स का मालिक कौन है? सरकारी अफसर है कि हम है? हम है इस टैक्स के मालिक। किसी को शक है इस बात पे? हम है इस टैक्स के मालिक। और जो सरकारी अफसर है वो तो हमारे नौकर है, क्योंकि उस टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, हमारे पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है। तो सरकारी अफसर हमारे नौकर है। और मंत्री सारे हमारे नौकर है। हम मालिक हैं और वो लोग नौकर हैं। इस देश का मालिक कौन है? लेकिन मालिक और नौकर के इस रिश्ते में पिछले 50 सालों से आज तक मालिक ने नौकर से हिसाब ही नहीं लिया। उसे मालूम ही नहीं कि पाई पाई जोड़कर जमा की गई उसकी पूंजी कहां और कैसे खर्च होती है। वो तो ये भी नहीं जानता कि अपना हिसाब मांगे तो कैसे मांगे। जनता जाती तो अफसर उन्हें धक्का देते, एक तो पैसा लेते और दूसरे ललकारे खाने पड़ते जनता को। सूचनाओं और जानकारियों का न होना ही लोगों की इस दुर्दशा का कारण है। 2 अक्टूबर 2001 दिल्ली सरकार ने आम नागरिकों को सूचना का अधिकार दे दिया, लेकिन जनता तो ये भी नहीं जानती कि उनकी बस्ती की दुर्दशा का सूचना के अधिकार से क्या लेना देना। जनता को यह बताने का बीड़ा उठाया परिवर्तन ने। पूर्वी दिल्ली की 2 पुनर्वास बस्तियों सुंदर नगरी और नई सीमापुरी में पिछले 2 सालों में दिल्ली नगर निगम द्वारा विकास कार्यों पर किए गए खर्च का हिसाब मांगा गया। अरे ये भूखे नंगे कराते रोज ही दंगे, देश का लूट पैसा कब से हो गए भैसा, पता गए टेलीफोन सुनी ना डायल टोन, तहलका डॉट कॉम यही है इनका काम। परिवर्तन के कार्यकर्ता हिसाब लेकर जनता के बीच गए और उन्हें बताया कि उनके क्षेत्र के विकास के नाम पर कागजों में कहां और कितना खर्च हो चुका है। साथियों, आपके ब्लॉक में, आपकी गली में पिछले 2 सालों में जितना भी सरकार की ओर से काम काज कराया गया है, कितना पैसा लगना था, कितना हकीकतन खर्च किया गया, कितना खा लिया गया और दबा लिया गया, इसके 2 साल के पिछले सरकारी कामकाज के हिसाब किताब के बारे में, आपकी गली के बारे में, आपके पैसे के बारे में बातचीत करनी है। केवल 10 मिनट के लिए पार्क के पुराने कमरे में इकट्ठा हो रहे हैं, आप लोगों का केवल 10 मिनट का वक्त जाया करेंगे। लाल किले की कहानी पर आपसे बातचीत नहीं करनी, ये आपके अपने पैसे का हिसाब किताब है, आपकी गली में हुए काम का हिसाब किताब है। 10 मिनट का समय जरूर दें। हिसाब किताब की गूढ़ बातें लोगों की समझ से परे थी, लेकिन ढोलक और मजीरे लेकर हिसाब बताने के इस अनोखे तरीके ने लोगों को खींचा। चोरों को जेल नहीं, झूठों का है बोलबाला, गांधी तेरे देश में, सच्चों का है मुंह काला, गांधी तेरे देश में, हर विभाग में है घोटाला, गांधी तेरे देश में, आंख में सबकी लग गया जाला, गांधी तेरे देश में, अरे नल में मेरे पानी दे, गांधी तेरे देश में, पानी दे रे पानी दे, गांधी तेरे देश में।
अब परिवर्तन ने लोगों को समझाया कि कागजों में कहां क्या लिखा है। सरकार कहती है हमने एल ब्लॉक सुंदर नगरी में 2 साल में 10,96,969 रुपए खर्च किए, किसी ने देखे? अम्बेडकर साहब और सरकार ने 1 रुपया दिया तो 4 आने लगा 12 लगा गए। सारा पैसा किसका था? हमारा था, हमारा पैसा था। ये किसका नुकसान हुआ? हमारा। क्या हम लोगों को कुछ करना चाहिए इस बारे में या घर बैठना चाहिए? करना चाहिए। आपका बच्चा बाजार जाता है, 5 रुपए उससे कहीं खो जाते हैं तो हम उसके घर पे थप्पो मारते हैं। हम बाजार में सब्जी खरीदने आते हैं, 8 रुपए का 1 किलो टमाटर खरीदते हैं, 10 का नोट देते हैं, सब्जी वाले को 2 रुपए छोड़ के नहीं आते। नंद नगरी से अपने ब्लॉक तक आते हैं, रिक्शे वाला 5 रुपए मांगता है, हम 4 में बात तय करते हैं, 1 रुपए उससे छोड़ नहीं देते, 1 रुपए उससे ले लेते हैं। ये 2 साल में 10,96,000 रुपया आपका पैसा था, आपकी अपनी मेहनत का पैसा था। सवेरे से शाम तक आप मेहनत करते हो, आप कमाते हो, अपना पेट काटते हो, तब आप टैक्स भरते हो, टैक्स जमा करते हो। ये आपका पैसा था, आप 5 रुपए के लिए बच्चे अपने सबसे प्यारे लाडले को थप्पड़ मार सकते हो। बताओ 10,96,000 के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने पैसों की हेरा फेरी की बात सुनकर जनता के अंदर का मालिक जाग उठा। मुंह खोलना चाहिए, मुंह खोलने से अगर नहीं बने ना तो फिर हाथों से काम लो, डंडों से बेलन ले लो, झाड़ू ले लो हाथ में। क्यों नहीं पड़ेगा, सब बोलेंगे तो फर्क पड़ेगा? एक के बोलने थोड़ी पड़ेगा, सारी पब्लिक बोले जम के, जैसा घोटाला हो रहा है यहाँ पे सब फर्क पड़ेगा सारा। आवाज उठी कि अपने नौकरों यानी सरकारी अफसरों से खुले में सबके सामने खर्च का हिसाब किताब मांगा जाए। फैसला लिया गया कि 14 दिसंबर 2002 को जनता सुनवाई करेगी। भ्रष्टाचार की, पार्क और गलियां खाने वालों की, नाली और नलके खाने वालों की, लिबर्टी ब्लॉक खाने वालों की, चारा और यूरिया खाने वालों की, सीमेंट और कंक्रीट खाने वालों की, नालियों की जाली और पार्क की ग्रिल खाने वालों की, जय जय भ्रष्टाचार। और फिर इसके साथ ही शुरू हो गई जनता की अनोखी अदालत की तैयारी। सुंदर नगरी का एम ब्लॉक पार्क 14 दिसंबर के दिन जनता के इस अनोखे जुनून का गवाह बना। राजस्थान के गांवों में जनसुनवाई कर चुके मजदूर किसान शक्ति संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया। शहरी विकास के खर्च के हिसाब किताब को लेकर यह देश की पहली जनसुनवाई थी। इस जनसुनवाई में 1,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। इनमें स्थानीय नागरिक, पत्रकार, समाज के गणमान्य लोग और कई दूसरे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही स्थानीय अधिकारी, एमएलए और पार्षद भी शामिल हुए। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीबी सावंत की अगुवाई में एक पैनल बना जिसके संचालन में यह जनसुनवाई हुई। कैसे 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 कैसे
फाइलों के अंदर दबे कई रहस्य सामने आए। इन दोनों गलियों से अगर कोई लोग आए हैं या उसके आसपास से लोग आए हैं, क्या वो आके बताना चाहेंगे कि गली बनी कि नहीं बनी? नालियां तोड़ के दोनों गलियों में, एक गली में, दूसरी गली में, दोनों गलियों में क्या नालियां तोड़ के बनाई? नहीं नहीं, ऊपर से ही दोनों में ही रखी थी, दोनों में ही रखी थी, दोनों में रट्टे लगाए, दोनों तरफ गलियों के क्या लोहे की नई जालियां लगाई गई? नहीं नहीं, केवल कहलवाओं में नहीं लगी है। इन चार हैंडपंपों में 1,85,961 रुपए खर्च हुए। इन चारों हैंडपंप में बिजली की नई मोटर लगनी थी। अब मैं जानना चाहता हूँ, एम और एन ब्लॉक में रहने वाला कोई व्यक्ति? मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं M109 सुंदर नगरी का निवासी हूँ। और हैंडपंप के ऊपर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ लिस्ट लगी हुई है जिसके अनुसार जो गवर्नमेंट टॉयलेट है जिसमें हैंडपंप नए लगने थे और उसके साथ मोटर भी लगाई जानी थी, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि 1998 या 99 में जो पंप लगे हैं वही पंप अभी तक काम कर रहे हैं, कोई नए पंप नहीं लगाए गए हैं और ना कोई मोटर लगाई गई है। जनसुनवाई की यह डगर आसान नहीं थी। मुझे धमकी दी गई है, व्यक्तिगत स्वार्थों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाले कुछ लोगों को यह हजम नहीं हुआ। और इस तरह दिल्ली की एक बस्ती ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में असली मालिक जनता ही होती है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। पर सवाल अभी बाकी है, सूरत बदले तो कैसे? एक बस्ती, एक गली, एक जिले में कोई एक जनसुनवाई पूरे देश की सूरत नहीं बदल सकती। हर गली, हर मोहल्ले को सरकार से हिसाब मांगना होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर गली, हर शहर, हर एक गांव, हर एक मोड़ पर हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए।